नाम पर इंसानियत का बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। जम्मू कश्मीर का विवाद, गिलगित और बलूचिस्तान का विवाद, और इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए दोनों मुल्कों की फौजें सन 1965 और सन 1971 में आमने सामने से जंग लड़े। सन 1971 के जंग के बाद दोनों मुल्कों के बीच एक समझौता हुआ, शिमला समझौता। उस समझौते के तहत नियंत्रण रेखा पर, लेकिन उस वक्त भी गुजरात बॉर्डर के पास जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नियंत्रण रेखा से वंचित रह गया। दरअसल जमीन के उस टुकड़े पर पाकिस्तान 5 किलोमीटर अंदर तक अपनी दावेदारी दिखाता रहा, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत सीमा रेखा को सीधे रखने की कवायद में जुटी रही। जमीन का यही विवादित हिस्सा दोनों मुल्कों की फौज के लिए आन बान और शान की लड़ाई बनी हुई है। आए दिन पाकिस्तान वहाँ से घुसपैठ की कोशिश करता है, तो हिंदुस्तानी फौजें उसके नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने की कोशिश में लगी रहती है। इस जंग में अब तक हमारे सैकड़ों सैनिकों ने शहादत का दंश भी झेला है। ना जाने कब यहाँ नियंत्रण रेखा बनेगी और कब हमारे जवाब और भाइयों के शहादत का सिलसिला खत्म होगा। जब से इन काफिरों का नेचर दीवारी इस पोस्ट पर आया है, कमीने ने सांस लेने की जगह भी नहीं छोड़ा। ऐसा सख्त पहरा लगाकर बैठा है कि घुसपैठ करना तो दूर, हम नजरें टेढ़ी भी नहीं कर सकते। सही फरमा रहे हैं जनाब, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस काफिर का। तुम बस अपनी ड्यूटी निभाते रहो। फारूख, वो सरकारी बंदा तिवारी, उसके कंधे पर इनके ही फौजियों के लाशों का इतना बोझ डाल दूंगा कि लाशों का बोझ उठाते उठाते इनके कंधे टूट जाएंगे। आपका इरादा क्या है? हमारा इरादा हिंदुस्तान की तबाही है, और ऐसी तबाही जिसमें इन फौजियों को इतना तोड़ दो कि इनको संभलने का वक्त भी ना मिले। और हमने इस तबाही का जाल बिछा रखा है। गोला तो नहीं, भगवान तो लड़के हर मुसीबत से बचाए। माई ते अपन ख्याल रखे, हमारी चिंता छोड़ ये माई से पहले अपन धरती माई के कर चुका। लड़ाई लड़त अगर बाबूजी जैसे शहीद हो गए ले तब हम के कोनो मलाल न रहे। ये सोच के सुकून से मरब कि हमार पति और बेटा आपन देश की हिफाजत करत शहीद भइल बा। माई हमके पिता ना कर बुका, हम देखे चाहत कि तू हमके अपन पेट दिखा के जंग पे जा। मर्द बन के पैदा भेल बाड़ू, जब तक जी है मर्द बन के जी है। और हाँ, सीना तान के वापस आई है तो हारे होके वाला मेरा रूप तोके जय खड़ा मिली, और वो भी पेट दिखा के ना, नजर से नजर मिला के। हे भोलेनाथ, इनका की हमार भी उम्र लग जाए, इनका की इतनी शक्ति भी है कि हिंदुस्तान की सारी औरतन की सुहाग की रक्षा कर सके। ध्यान रखी हवा बुआ, हम तुम्हारे भरोसे भौजी के छोड़ के जा रहा बनी, तू हमेशा भौजी का ख्याल रखियो। तू चिंता मत करा, हम भौजी का ख्याल देवरानी बन के ना बहन बन के रखा। हाँ नेहा,
अगर तू हमारा जिंदगी में नायल रहतू ना तो शायद ये उजड़ा घर के हम कबो ना संभाल पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कह के हमारे प्यार के कमजोर मत बनावा। अरे नानी हम तो बस ये कहता नहीं कि तू अपन ख्याल रखी। हमने उनके ये कहा जा कि जल्दी वापस आइया। आज हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता नहीं जाना तनु। बाबूजी हमेशा कहें कि वक्त और हालात इंसान के समय से पहले समझदार बना देला। काश हम बाबूजी के बाद पहले समझ के लाते। हमरा रहते अपने आप को कबो अकेले मत समझिए। तू देश देखा हम दार घर देखा हमारे को सपना पूरा करवा। बोल के देखा तोहरा खाते तो हमार जान हाजिर बा। कोनो पाकिस्तानी के मोड़ी काट के ले आईहा उहे मोड़ी के अग्नि में डाल के तोहरा संगे साथ फेरा ले। चिंटुआ जी भैया तनु के ख्याल रखिए। जी भैया अपन ख्याल रखिए। हिंदुस्तानी फौज के आवाज शेर के दहाड़ होके के चाहिए। आवाज से ही दुश्मन के आधा कलेजा छनी हो जाए। और कैसन चला था सिंगिंग के लिए आज गीत संगीत भैया के साथ खत्म हो गए सर। अब तक बस एक ही सपना बा सिर्फ दुश्मन के मुंह से गीत संगीत सुने के हीरो बने का चाहता नहीं सर। रील के हीरो लेकिन भगवान के लाख लाख शुक्र बाद हमें रियल हीरो बना देने। अब तक सर अपन हीरो गिरो जिन्हें दिखाई जैसे हमारे सामने पाकिस्तानी ससुरा हरामी रही सर वो दिन उनके मारब ना सर सीधा मारते। तुहार बाबूजी तो तुहरा के विराट कोहली कहत रहे एजा तक क्रिकेट खेले के ना मिली बबुआ। जरूर मिली सर फर्क बस इतना हुई कि बैठी हमारा राइफल हुई चला सलाम ना बारूद निकली और बाकी अब सर चौदह दिन हम बल्ला उठा लें चौदह दिन शतक से कम में दम ना ले सर। गुड हम तो लोग के आंख में ये देशभक्ति के जुनून देखल चाहत रहनी हम। वक्त आ गया है खुदा के लिए कुछ कर जाने का इस्लाम के लिए कुछ कर जाने का। साथियों तुम लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो। तुम्हें खुदा के लिए कुछ कर गुजर जाने का मौका मिला है। इस मौके को चूकना नहीं। खुदा तुम्हें खुद जन्नत का रास्ता दिखाएगा। तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। उन काफिरों पर कहर बनकर टूट पड़ो ऐसा कहर कि उनकी रूहें काबू करें।